ये देखिए गाइस, बहुत यम्मी बहुत टेस्टी हम आज ब्रेड और आलू से नाश्ता बनाने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों को खा करके बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी लगेगा। बच्चे हों या बड़े, सभी भरपूर पेट से खाएंगे। अगर एक बार एक टिक्की भी किसी ने खा ली ना, तो उसका पेट एकदम से फुल हो जाएगा। तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस चलिए बनाते हैं नाश्ता। तो ये हमने 5 से 6 ब्रेड ले लिए हैं, ब्रेड के स्लाइस नॉर्मल, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। और हमने ये ले लिए हैं 4 आलू। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमें बनाना है। तो ये हम रफली तोड़कर अपने इस बाउल में डाल देंगे। और गाइस एक बात और, हमने बहुत मतलब शॉर्ट वीडियोस भी डाले हैं, पूरी वीडियोस हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हमने बोला हुआ है, जो जल्दी जल्दी बनाया है तो आप वो भी जा करके देखें, फुल वीडियो का आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं फुल वीडियो हमारा। तो ये देखिए, हाफ ग्लास हमने दूध भी ले लिया है, उससे हम इसको भिगोएंगे जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए, जिस तरह से हम आटे का डो लगाते हैं बस उसी तरह से हो जाए। तो ये देखिए, हाथ को साफ करके, हाथ से डिप करके इसको सही से दबा दबा कर भिगोना है इस तरह से। तो देखिए अभी डो लग जाएगा। गाइस वो हमने शॉर्ट वीडियो इसलिए फुल डाली हुई है ना, जिनके पास समय कम रहता है तो वो आराम से शॉर्ट वीडियो देख करके, देखिए जिनको थोड़ी बहुत कुकिंग आती है वो शॉर्ट वीडियो देख कर भी अपनी कुकिंग कर सकते हैं, जो बिगनर है वो हमारी फुल वीडियो आराम से देखें, कोई दिक्कत नहीं है। और जो है तो शॉर्ट वीडियो देखकर जो समझते हैं वो कर सकते हैं। तो देखिए हमने उसको रख दिया था बैटर को, अब इसमें हमने अपने आलू ग्रेट करके डाल दिए हैं। और ये हमने 2 स्पून चाट मसाला ले लिया है, इसमें बहुत ज़्यादा मसाले हम यूज़ नहीं करेंगे। ये देखिए सांभर मसाला 1 स्पून। तो बस इस मसाले को ऐड करने के बाद किसी दूसरे मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको, नमक टेस्ट के अनुसार डालेंगे। और ये देखिए गाइस, इसमें आप अपने हिसाब से वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चिली फ्लेक्स, हम आज जिस चीज़ से बनाने जा रहे हैं तो हम चाहते हैं उसी चीज़ का टेस्ट आए, ठीक है, इस वजह से हमने वेजिटेबल नहीं यूज़ करी हैं। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हम पूरा डो लगा करके रख लेंगे अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से डो लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गाइस, अच्छे से डो लग जाएगा। और इसे हम ऐसे रख देंगे। और इसकी नॉर्मल अब हम ले लेंगे, इसको साइड में रखेंगे। और हम ये ले लिए हैं चीज़ स्लाइस, हमारे पास ये थी, आप चीज़ की जगह पर पनीर भरना चाहते हैं तो पनीर भी ले सकते हैं, या क्यूब्स वाला ले सकते हैं, दोनों ही ले सकते हैं, जो भी इच्छा हो। तो इनको हमने ऐसे तोड़ लिया है क्योंकि भरने में हमें दिक्कत ना हो। तो इस तरह से हाथ पर लगाएंगे ऑयल, और अब इससे हम नॉर्मली लगा लेंगे, बना लेंगे टिक्कियाँ नॉर्मल शेप की, जैसे आलू की टिक्की होती है उस हिसाब से। आप इसे चाहें तो गोल शेप, ओवल शेप, या फिर आप चौकोर शेप, जिस शेप में आप चाहें उस शेप में आप इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने बना लिया है राउंड शेप में, और इसके अंदर हमने अपनी चीज़ की स्लाइस रख दी हैं जिनको हमने बंद कर दिया है। और अब इन्हें हम राउंड शेप देते हुए अच्छे से टिक्कियां बना लेंगे, और इसी तरह से सारी टिक्कियाँ हम बना करके रख लेंगे अपनी। तो आगे देखिए, नॉर्मल हमने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है पहले से ही इसको फ्राई करने के लिए। आप चाहें तो सैलो फ्राई भी कर सकते हैं, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, तो हम आज करेंगे डीप फ्राई। तो ये देख सकते हैं कढ़ाई में पहले से ही चढ़ा दी थी, हमारा ऑयल हो चुका है। इस तरह से हमने डाल दी हैं अपनी टिक्कियाँ इसमें। तो लगभग एक बैच सिकने में 5 मिनट लगेगा, क्योंकि हम नॉर्मल फ्लेम पर सेकेंगे, अगर हाई फ्लेम कर देंगे तो ऊपर से टिक्कियाँ जल जाएँगी या फिर कहिए कुक हो जाएंगी, और अंदर से कच्चा फ्लेवर रहेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और अगर लो फ्लेम पर आप कुक करेंगे तो उसमें ऑयल को अधिक मात्रा में सोक कर लेगा, जो कि अच्छा नहीं रहे खाने में लगेगा। तो इस वजह से हमें मीडियम फ्लेम पर ही इसे कुक करना है। तो इसी तरह से उलटते पलटते हम इसे सेक लेंगे। 1 मिनट तक आप टच ना करें टिक्कियाँ डालने के बाद, 1 मिनट के बाद आप ऐसे स्टर कर दें। तो देखिए हमारी कितनी अच्छी क्रिस्पी टिक्कियाँ हो गई हैं, और ये खाने में उतनी ही टेस्टी और उतनी ही क्रिस्पी लगेंगी, बहुत यम्मी बहुत टेस्टी। इस तरह से हम टिश्यू पेपर पर निकाल कर रख लेंगे, जिससे कि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर सोक कर ले। तो उसी तरह से हम सारे के सारे निकाल कर रख लेंगे, और इन्हें हम सर्व करेंगे। तो देखिए सारी की सारी टिक्कियाँ हमारी बन चुकी हैं, और बहुत क्रिस्पी देखने में ही लग रही हैं। तो इन्हें हमने सर्व किया है ग्रीन मिर्च के साथ, आप चाहें ऐसे ही खाएँ या फिर किसी चटनी या सॉस के साथ, ये खाने में उतनी ही डिलीशियस उतनी ही टेस्टी लगती हैं, क्योंकि ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से चीजी लगती हैं, खाने में क्रिस्पी तो इतनी है कि कुछ पूछिए नहीं।
तो अगर हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर दें, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ करके मोटिवेशन मिलता है। और लाइक करिए तो अगर हमारी ये रेसिपी बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।